5। सेटर बीमार है। सुबह का समय है और लोको काम पर जाने की जल्दी में है। लगा दिया। हाय सेटर। हाय लोको, आज तुम बंदरगाह जाओगे? हाँ। तुम्हारी माल बोगी तैयार है। शुक्रिया सेटर, वापस आकर मिलता हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। लगता है सब चले गए हैं। ठीक है, अब सारे डब्बों को ठीक से लगा देता हूँ। ठीक है, हो गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे नहीं, आज मैं देर से उठा। ओ? मुझे देर हो गई। टीटीपो। हेलो सेटर। हाय, कैसे हो? शायद देर हो गई इसे। ये मेरे हैं? अरे रुको। तुम एरिक के डिब्बे ले जा रहे हो? अच्छा, अब मैं क्या करूँ? मेरा काम शुरू होने वाला है। रुको, मैं ढूंढ देता हूँ। लो, मैं ले आया। शुक्रिया सेटर। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। आराम से जाना। ठीक है, बाय। अब तो सब चले गए। अब मुझे दोबारा इन्हें जोड़ना होगा। ठीक है, काम शुरू करता हूँ। लग गया, काम पूरा हुआ। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाय सेटर। ओ, मैं काम करके आ गई। मैं भी, काम जल्दी खत्म हो गया। वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हाँ, चलो चलकर आराम करें। ठीक है। तुम्हारा दिन अच्छा बीते सेटर। शुक्रिया। अरे मेरे लिए तो रुको जीनी। सब अपने डिब्बे छोड़कर चले जाते हैं। चलो पहले इन डिब्बों को धो लेता हूँ। इन्हें धोने के बाद मैं आखिरकार ब्रेक ले पाऊंगा। बस होने ही वाला है। ये क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल भी चल ही नहीं पा रहा हूँ। फिक्स सेटर को ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट ले जा रहा है। एक दुर्घटना हो गई है। पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम चल ही नहीं पा रहा था। ओह, सच में? ठीक है, मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी। सेटर? हाँ? तुम्हारे इंजन में कुछ खराबी आ गई है। तो क्या ठीक नहीं किया जा सकता मुझे? हाँ, लेकिन अभी ठीक नहीं कर सकता क्योंकि पार्ट्स आने में कुछ दिन लग जाएंगे। दिन? अरे नहीं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो डिपो में सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा। बिखरे या संभले, तुम्हें आराम करना होगा। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। उस शाम मिस्टर हर्ब ने छोटी रेलगाड़ियों को एक साथ बुलाया। पता नहीं क्या बात है, मुझे सही कहा। तो सब यहाँ आ गए हैं ना? मेरे पास एक बुरी खबर है, सेटर बीमार है, काम नहीं कर सकता। सेटर ज्यादा ही बीमार हो गया है शायद। कितना बुरा हुआ। हाँ। लेकिन दोस्तों, आखिर सेटर इतना बीमार कैसे हो गया? पता नहीं, उसे तो हमारी तरह काम पर नहीं जाना पड़ता। कुछ दिनों के लिए मैं चाहता हूँ सेटर का काम आप में से कोई करे। मैं तैयार हूँ। सामान खींचने से तो आसान ही है ये काम। मैं भी तैयार हूँ, मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी मिस्टर हब, हम संभाल लेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुम पर विश्वास है। जी सर। अगला दिन टीटीपो सेटर का काम करने के लिए आया है। काम पूरा करके आराम करूँगा। टीटीपो। ओ हेलो। गुड मॉर्निंग मैनी। एक सेकंड रुको। ले आया, ये लो, ये रहे तुम्हारे डिब्बे। तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो, तुम सेटर जैसा काम कर रहे हो। काम ज्यादा मुश्किल नहीं। बाय, बाद में मिलेंगे। बाय बाय मैनी। टीटीपो। हेलो, मेरी माल बोगी ले आओगे प्लीज? जरूर, बस अभी लाया। काम पूरा हुआ, मैं जानता था इतनी मुश्किल नहीं होगी। झपकी ले लेता हूँ, सेटर किस्मत वाला है। टीटीपो। ओ जी मिस्टर हर्ब,
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बर्नी और मैनी कह रहे हैं उनके डिब्बे बदल गए हैं, एक बार देखोगे जरा? बदल गए? सच में? जरूर, मैं जाकर देखता हूँ। टीटी पो तेजी से बर्नी और मैनी के पास पहुँचा। तुम्हारे पास सच में गलत डिब्बे आ गए, माफी चाहता हूँ बर्नी। इस सब चक्कर में मुझे देर हो गई, माफी चाहता हूँ। सेटर कभी गलती नहीं करता था। मैं जल्दी में हूँ, चलता हूँ अभी। सेटर हमेशा जल्दी से डिब्बे निकाल लाता था, तो मुझे लगा ये आसान काम होगा, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। टीटीपो, टीटीपो। दोपहर का समय और जीनी डीपो को संभालने में लगी है। इन्हें अलग रखने के बाद मेरा काम खत्म। जीनी। हेलो। ठीक से संभाल पा रही हो? हाँ, मुश्किल नहीं है। चलो अच्छा है। तो तुम काम करती रहो। ठीक है, बाय। अच्छे से काम करना। अपने डिब्बे ऐसे ही छोड़कर चले गए। काम खत्म ही नहीं हो रहा। तुम्हारा दिन अच्छा बीते सेटा? हाँ बिल्कुल। सब डिब्बे छोड़कर चले जाते हैं। मैं भी सेटर का काम मुश्किल बनाती थी। डीजल गंदे डिब्बों को ट्रेन वॉश में साफ कर रहा है। कितना काम है। ये अपने डिब्बों को खुद क्यों नहीं साफ करते हैं? अब मैं जल्दी से जाकर गाड़ी नेक्स्ट देखूंगा। डीजल, तुम्हारे डिब्बे इतने गंदे क्यों रहते हैं? क्या गंदे तो नहीं है ये, मेरे हिसाब से तो साफ है। चलो अब मैं जा रहा हूँ गार्डियन एक्स देखने। मैं भी तो अपने डिब्बे बिना साफ किए छोड़ देता था। मिस्टर हर्ब ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट में है। टियो। ओह, हेलो मिस्टर हर्ब। हेलो, काम में लगे हो? सेटर अब कैसा है? पुर्जों के आने तक उसे आराम करना होगा। बाकी रेल कैसा काम कर रही है सर? बिना सेटर के सब गड़बड़ा गया है। काफी परेशानी है। ये तो मैं जानता हूँ, मुझे सेटर काम पर वापस चाहिए। हेलो सेटर। ओह, कैसे हैं मिस्टर हर्ब? अब पहले से बेहतर हो? हाँ, मेरे बिना सबको बहुत मुश्किल हो रही होगी ना सर। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये परेशान होगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, आराम करो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बिना सब सही से काम कर रहे होंगे। वाव, मैं आ गया। वाव, यहाँ सब कुछ कितना साफ सुथरा लग रहा है। हेलो सेटर। अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है सेटर। क्या, हम ये काम आराम से संभाल सकते हैं? हाँ, सही कहा। मेरी जरूरत नहीं है। अरे नहीं सेटर, बताओ क्या हुआ? प्लीज थियो, किसी भी तरह मुझे जल्दी से ठीक कर सकते हो? काश ये मेरे हाथ में होता सेटर। टियो, तुमने जो पार्ट्स मंगवाए थे लाया हूँ। सच में? लेकिन तुमने कहा था इसमें तो वक्त लगेगा। जितना सोचा था उससे जल्दी आ गए। वाव, ये हुई ना बात। प्लीज अब जल्दी से मुझे ठीक कर दो टियो। ठीक है, अभी कर देता हूँ। डीपो के काम में छोटी रेलगाड़ियाँ रात तक लगी रही। जीनी, अब हम सो सकते हैं? अभी नहीं, बहुत से डिब्बे संभालने बाकी हैं। टीटीपो, जीनी, सारे डिब्बे धो दिए? अभी नहीं, बहुत से डिब्बे हैं जिन्हें धोना बाकी है। डीजल, क्या बहुत से बाकी हैं? अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, बहुत काम कर लिया। मुझसे भी, जितना भी संभाल लो काम खत्म ही नहीं हो रहा। सेटर इतना काम अकेले कैसे कर लेता है? मैं चाहता हूँ कि सेटर जल्दी वापस आ जाए। मैं भी। हे दोस्तों, देखो कौन आया है। सेटर, तुम ठीक होकर वापस आ गए, चलो शुक्र है। हाँ, यहाँ का ऐसा हाल कैसे? जानती हूँ, माफी चाहते हैं सेटर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा काम बहुत मुश्किल और ज्यादा है। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। सबसे पहले इस तरफ से ठीक करते हैं। जरूर, मिलकर करते हैं।
सेटर के साथ छोटी रेलगाड़ियों ने भी डिपो को संभालने में बहुत मेहनत की। काम पूरा हो गया। सेटर तुम कमाल के हो। अब सब तरीके से लग गया। तुमसे अच्छा कोई नहीं सेटर। शुक्रिया सेटर, सच कह रही हूँ, माफी चाहती हूँ। माफी चाहती हो? अपने डिब्बे ऐसे ही छोड़कर चले जाने के लिए। मैं भी। मुझे नहीं पता था तुम्हारा काम इतना मुश्किल है। माफी चाहता हूँ सेटर। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोग समझ तो गए। सेटर ये बताओ कि तुम काम पर आकर उदास तो नहीं हो? उदास? भला मैं किस बात पे उदास होऊंगा? मुझे लगता है मेरा काम दुनिया का सबसे अच्छा काम है। लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब से मैं अपने डिब्बे तरीके से रख कर जाऊंगी। मैं भी। और मैं अपने डिब्बे देने से पहले हमेशा उन्हें धोया करूंगा। हालांकि ये बहुत परेशानी की बात है। परेशानी? छोटी रेलगाड़ियां खुश हैं कि सेटर वापस आ गया। स्वागत है सेटर। टिटीपो और सेटर घूमने गए। आज टिटीपो की छुट्टी है। हाय दोस्तों। टिटीपो क्या कर रहे हो? मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? मुझे काम पर जाना है। मुझे भी। मुझे लगता है आज सेटर की छुट्टी है। बहुत बढ़िया, मैं सेटर को कहता हूँ मेरे साथ चलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। सेटर को चूचू टाउन से बाहर जाना पसंद नहीं। घूमने जाने के लिए भला कौन सी ट्रेन मना करेगी? बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। तुम देखना वो उसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है चलो अब इन्हें सही से लगा देता हूँ। हाय सेटर। बाहर चल के खेलते हैं। खेलते हैं? आज तुम्हारी छुट्टी है तो हमें बाहर जाके खेलना चाहिए। मुझे चूचू टाउन में ही रहना पसंद है। लेकिन बाहर मजे करने के लिए बहुत कुछ है। चूचू टाउन में भी मजे करने के लिए बहुत कुछ है। सब लग गए। ट्रेन के डब्बों को लगाने का मजा ही कुछ और है। और जब सब रेल चली जाती है तब देर तक नहाने का मजा ही कुछ और है। ये जगह सही लग रही है। और दोपहर की झपकी का तो कहना ही क्या। चूचू टाउन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाहर तो बहुत भीड़ और शोर है, इसलिए मैं तो यही रहूंगा। तुम अकेले ही घूमकर आओ टिटीपो। सेटर, इसे बाहर जाना पसंद क्यों नहीं है? हाँ, अगर मेरे साथ बाहर जाएगा तो उसे पक्का अच्छा लगेगा। इन पीले डब्बों की जगह यहाँ है। सेटर, तुमने डरा दिया। मेरे साथ बाहर चलो। सिर्फ एक बार सेटर, प्लीज एक बार चलो। माफ करना लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है। तुम अकेले ही चले जाओ टिटीपो। लाल डब्बों की जगह यहाँ पर है। चलो भी सेटर। क्या तुम सच में यहीं रहोगे? सच में? मुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है टिटीपो, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। ओ, माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, सब उल्टे पुल्टे लग गए। अब तो बाहर चलोगे ना? मैं नहा कर आता हूँ। मजा आ गया। क्या अब मैं नहा लूं? पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो इतना वक्त लगा रही है। मैं जल्दी से बाहर निकलूं। मैं माफी चाहता हूँ। आराम से नहाओ तुम। तुम नहा चुके सेटर, तुम्हें पता है। मुझे नहीं नहाना, इससे अच्छा तो मैं बाहर जाऊँ और खूब खेलूं। क्या क्या कहा तुमने? तुम चलोगे? सुनकर अच्छा लगा ना? नहीं लगा। दोपहर की झपकी लेने के लिए सेटर जंगल में चला गया। मजा आ गया। टिटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैं भी झपकी ले लूं। अच्छा,
तुम्हें एक अच्छी सी लोरी सुना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आ आ सो जा छोटे बच्चे सो जा, मीठे से सपने में खो जा। ठीक है, तुम जीते, तुम जीते। मैं चलूंगा, ठीक है? तुम चलोगे? हाँ चलूंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये मेरा दावा है। हाँ, ओ। टीटीपो टीटीपो। टीटीपो और सेटर घूमने के लिए बाहर गए। अब बताओ तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है ना? शायद। हम पहुंच गए, वो रहा बंदरगाह। चलो चले। ठीक है। वाह। एए, कौन आया है यहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या है? सेटर, ऊपर देखो, ऊपर। तुम तो ईद का चांद हो गए हो। आओ, कैसे हो टीटीपो तुम? क्रेनी, पता है मैं कितना डर गया था। हेलो क्रेनी। मुझे लगता है क्रेनी को देखकर सेटर उदास हो गया। सेटर, आते जाते रहा करो। बाय, अब हमें जाना है, चलो चले। गुड बाय टीटीपो, ऐसे अजनबी मत बनो सेटर। ठीक है, अपना ख्याल रखना क्रेनी। कैसे हो दोस्तों? घूमने आए हो सेटर? हाँ आ ही गया। वाह, तुम्हारी बोगियाँ तो मैंने ही लगाई थी। हाँ, पर विश्वास नहीं हो रहा तुम टीटीपो के साथ घूमने निकले हो। मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकला हूँ। जरूर टीटीपो हाथ मरोड़ कर तुम्हें लाया होगा। वो नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे भी सेटर आज बहुत मजे करेगा। तो जाओ और मजे करो, मैं काम पर चलता हूँ। अच्छा फिर मिलेंगे डीजल। सेटर, हाँ? चलो आगे चलें। ठीक है। वापस मुड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। हाँ? आगे बढ़ो और इस पे चढ़ जाओ। ठीक है, इस तरह। हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या, टर्न टेबल में कोई खराबी हो गई है। चक्कर आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो। सेटर को कोई ऐसी जगह लेके जाना होगा जो उसे पसंद आए। सिंग सिंग सच में बहुत तेज है, कमाल की है। आहा, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह याद आई जो तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरे पीछे आओ। टीटीपो ने तय किया कि वो सेटर को एक शांत स्टेशन पर ले जाएगा। जगह कैसी है, अच्छी लगी ना? हाँ। मुझे पता था सेटर को यहाँ आकर अच्छा लगेगा, शुक्र है। ओ? जीनी, स्टेशन पर पहुँच गए, ध्यान से उतरना। वाह, इन डब्बों को मैंने लगाया था। हम पहुँच गए बच्चों, सब ध्यान से उतरना। ओ, टीटीपो, तुम सेटर को बाहर ले ही आए। हाँ। क्या तुम अपने रूट पर हो जीनी? हाँ, आज मैंने छोटे बच्चों को सैर करवाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हा? देखो कितनी अच्छी ट्रेन। चले चले चले। हाँ ये तो सच में बहुत अच्छी है। टीचर, क्या मैं इसके अंदर जा सकती हूँ? मैं भी। मुझे नहीं पता। सुनो ना, अगर बच्चे ऊपर आ जाएं तो तुम्हें एतराज तो नहीं? मुझ पर? तुम काम कर रहे हो है ना? नहीं, काम तो नहीं कर रहा। सच? बहुत शुक्रिया। चलो चलो। सेटर को ये अच्छा नहीं लगेगा। कितनी अच्छी है इधर से। सुनो बच्चों, कोई बटन मत दबाना। सेटर, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ।
मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इसे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। सुनो टीटीपो, अब हम शहर वापस जा रहे हैं ना? हाँ, वापस जा रहे हैं। मैं सेटर को दिखाना चाहता था कि बाहर कितना मजा आता है, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। अरे बारिश होने लगी। जल्दी वापस चलो टीटीपो। बरसात भी आज ही होनी थी। सुनो सेटर। वाह टीटीपो, आकाश की तरफ देखो। एक इंद्रधनुष। सतरंगी इंद्रधनुष, कितना सुंदर है। ओ हाँ सेटर, माफी चाहता हूँ, तुम्हारा आज का दिन खराब हो गया। क्या? बंदरगाह में इतना शोर था, फिर वो छोटे बच्चे तुम पर कूदने लगे और फिर बारिश हो गई। गलत कह रहे हो, मेरा दिन बहुत अच्छा था। ओ? सेटर, ग्रेनी से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अपने दोस्तों को काम करते हुए देखकर, खास तौर पर उन डब्बों के साथ जिन्हें मैंने जोड़ा था, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा टीटीपो। उन प्यारे बच्चों के साथ खेलकर भी मुझे बहुत मजा आया, और अब मैं इस सुंदर इंद्रधनुष को देख रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, शुक्रिया टीटीपो। मुझे शुक्रिया मत कहो, कोई बात नहीं। मैंने ठीक कहा था, है ना? बाहर जाकर खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ, अब हम अक्सर जाया करेंगे। बहुत बढ़िया, अगली बार हम सबके साथ घूमने जाएंगे। सेटर और टीटीपो ने साथ मिलकर खूब मौज मस्ती की। बाहर खेलने में भी बहुत मजा आता है। साफ रहने में ही समझदारी है। जीनी टीओ के पास जांच के लिए प्रोडक्शन प्लांट आई है। ये तो डीजल है। हेलो जीनी। इतनी बदबू, डीजल, तुम इतने गंदे क्यों हो? इतना गंदा तो नहीं लग रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेकअप के लिए आई हूँ। और तुम? मेरे अंदर कुछ खराबी थी, टीओ ने मुझे ठीक कर दिया। अच्छा हुआ, तो मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है, बाय डीजल, फिर मिलेंगे। हेलो टीओ। हेलो जीनी। तुम्हारे कपड़े? ये डीजल को ठीक करते हुए गंदे हो गए। सच कहूँ तो मुझे उसकी काफी चिंता रहती है। उसकी चिंता? वो बीमार है? नहीं, लेकिन वो खराब होता रहता है क्योंकि वो नहाता नहीं है। क्योंकि वो नहाता नहीं है? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। जीनी को अपने दोस्त डीजल की चिंता होने लगी। मैं आ गया। हेलो डीजल। हेलो। हाय डीजल, तुम अब तक नहीं नहाए हो? लेकिन क्यों? तुम बहुत गंदे हो रहे हो डीजल। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, माल गाड़ियाँ हमेशा गंदी रहती हैं। हेलो दोस्तों। हेलो लोको। क्या हाल है दोस्त? लोको भी माल गाड़ी है लेकिन वो साफ है। अरे छोड़ो भी, मैं थक गया हूँ, कल नहाऊंगा। क्या तो ऐसे ही सोने चले जाओगे? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। इसे नहाना ही पड़ेगा। डीजल ट्रेन वॉश में जाओ और नहा के आओ। मैं नहीं जा रहा। तो मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी जब तक तुम नहाने नहीं जाओगे। डीजल अच्छा यही रहेगा कि अब तुम नहा लो। मैं थक गया हूँ, चलो ठीक है नहा लेता हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि वो हमेशा साफ रहे ताकि वो फिर से बीमार ना हो। अगली सुबह हो चुकी है, डीजल अब तक सपनों की दुनिया में है। डीजल चलो नहा लो। मेरा मन नहीं है। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। ये अंदर गई। आ?
कर लिया। पता नहीं जीनी सोते हुए डीजल को कहां ले जा रही है। ओहो, ट्रेन वॉश में। मैं वापस आ गया। जी सर, काम खत्म हो गया, मेरे साथ घूमने चलोगे? ठीक है, कहाँ चलना है? मेरे पीछे आओ, पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम। ये घूमने की जगह नहीं है। धीरे धीरे, चुपचाप। वो अभी तक आई नहीं है। आज मुझे नहाना नहीं पड़ेगा। ये। डीजल, सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए। नया दिन शुरू हुआ। ये रहे टीटीपो और डीजल। डीजल, गुड मॉर्निंग। टीटीपो, आज तुमने जीनी को देखा क्या? वो काम पर जा चुकी है। क्यों? चीनी मेरे पीछे ही पड़ गई है। कल मुझे 3 बार नहाना पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे क्या पता। खैर, चाहे जो हो, चीनी को हर हाल में रोक के रहूंगा अब। डीजल, डीजल क्या करने की सोच रहा है? डीजल, टीटीपो, तुम नहाने आए हो? मुझे पहले जाने दो। रुक जाओ, अंदर मत जाना अब। ओ, क्यों? हेलो जीनी, पहले तुम नहा लो। मैं बाद में नहा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने पानी में मिट्टी मिला दी है। देखो देखो कौन गंदा है। इस बार मैं उसे तंग करूंगा। क्या? उस पर मिट्टी लग गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। बेचारी जीनी। दिखा रही वो अब। मजा आ गया। ये गंदी क्यों नहीं हुई? बाद में मिलती हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे जीनी। लेकिन मैंने मिट्टी डाली थी। बड़ी अजीब बात है ये। क्या गड़बड़ हो गई? ऐसा लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। डीजल, डीजल, क्या तुम ठीक हो? चीनी, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। डीजल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टिटीपो, टिटीपो। काम खत्म करने के बाद डीजल वापस शहर आ रहा है। ये तो जीनी है। ओ जीनी, तुम वापस आ गई। कीचड़, अब मजा चखाता हूँ उसे। उपसी, अब तुम भी हो गई गंदी। अब चखाता हूँ मजा। शाबाश जीनी। शुक्रिया। ठीक है, मैं कल मिलती हूँ मिस्टर हब। आराम करो। अरे नहीं। ओ, डीजल। डीजल। प्लेटफॉर्म पर आते हुए इतनी रफ्तार नहीं होनी चाहिए। मैं हजारों बार तुम्हें ये बात बता चुका हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बार बार ये बात। और फिर डीजल को सुबह तक मिस्टर हब से डांट खानी पड़ी। बहुत हो चुका, आज तो बदला लूंगा ही। डीजल, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी है। जानता हूँ, लेकिन आज जीनी बाहर गई है फूलों को देखने के लिए। हाँ तो? तो आज वो दिन है जब मैं जीनी से बदला लूंगा। चलो मैं चलता हूँ। टीटीपो, डीजल, आखिर ये जीनी है कहाँ पर? वो रही। हाँ? ये बहुत भारी है। तुम काम कर रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है। लग तो रहा है।
वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे ये सामान पहुंचाना है लेकिन मुझ में ताकत नहीं बची है। जीनी, क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकती हो? हाँ, जरूर, क्यों नहीं? मैं तैयार हूँ, तो ठीक है। ये सब क्या है? ओ, माफी चाहता हूँ जीनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ डीजल। ये सुनकर मेरे दिल को आराम मिला। ओ, अच्छा सुनो, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय। डीजल। मैंने बदला ले लिया। ओ, ये क्या हुआ? मैं सच में खराब हो गया। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मेरे अंदर फिर से खराबी आ गई है। क्या? फिर से? एक मिनट यहाँ रुको। डीजल, पहले तुम्हें जोड़ लेती हूँ, फिर प्रोडक्शन प्लांट ले चलूंगी। सच में? लेकिन क्या तुम पहले नहाना नहीं चाहोगी? मैं धूल की परवाह क्यों करूं, जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है? मुझे लगा कि गंदा रहना तुम्हें पसंद नहीं और इसीलिए तुम मुझे हर बार नहाने के लिए भेजती रहती थी। दरअसल टियो ने बताया था साफ नहीं रहने से तुम खराब हो रहे हो, मैं मदद करना चाहती थी। क्या सच में? क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए तंग करती हो, इसीलिए मैंने तुम पर ये खाद गिरा दी और तुमसे बदला लेने की कोशिश की। क्या? माफ कर दो मुझे, सच में मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, मुझे माफ कर दोगे प्लीज? अगर तुम साफ सुथरे रहोगे तो मैं माफ कर दूंगी। ठीक है, अब मैं हर रोज नहाऊंगा। शुक्रिया जीनी। अब चलते हैं तुम्हें ठीक करवाने। अगले दिन की शुरुआत। कैसे हो दोस्तों? डीजल, तुम कितने साफ हो गए। मैं शहर की सबसे साफ रेल बनकर दिखाऊंगा अब। अब मुझे तुम्हारे खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक कहा, अब मैं तुमसे भी ज्यादा साफ हूँ। ये बदबू कैसी है? लगता है किसी ने कल की खाद को धोया नहीं है। क्या? किसी को नहाने की जरूरत है। मैं नहा चुकी हूँ दो बार। लगता तो नहीं मुझे बदबू आ रही है। ओ, टीटीपो, तुम भी मेरी तरह अच्छे से नहाया करो। क्या? लेकिन मैं अभी नहा कर आया हूँ। देखो इतना काफी नहीं है, तुम्हें खुद को ज्यादा साफ रखना चाहिए। डीजल। जीनी की वजह से डीजल अब एक साफ सुथरी रेलगाड़ी है। चलो अच्छा हुआ डीजल।